एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो ऑब्वियसली आपको बैकग्राउंड एंड जो सेटअप है वो पूरा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज आई एम एट माय मॉम्स प्लेस। और अगर आपको पूरी स्टोरी पता होगी तो पता ही होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर नहीं पता है देन आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। और टेम्प्रेरी बेसिस अभी मेरा सेटअप यही रहने वाला है, ऑल्दो आई हैव जो हमारा सबसे ऊपर वाला रूम है वहाँ पर भी सेटअप है, बट उसको भी थोड़ा सा अरेंज करना है, मुझे रीअरेंज करना है अभी क्योंकि चीज़ें हम शिफ्ट हो गए थे तो अलग तरीके से रखा गई हैं। सो यस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अमेजन से मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। ऑल्सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग राखी रक्षाबंधन के थीम पे के बेसिस पे रहने वाला है, जिसपे मैंने बहुत अच्छे अच्छे सूट्स मंगवाए हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा सामान यहाँ पर लेकर के नहीं आई हूँ। और मैंने सोचा जो मैं यहाँ मंगवा रही हूँ मैं यहीं छोड़ करके जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना जब मैं वहां से यहाँ भाग के आती हूँ तो अभी जैसे कि जिस सिचुएशन में मैं आई हूँ बहुत सारी अपनी जरूरत की चीजें मंगवाई है। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो है ये पियर्स का प्योर एंड जेंटल बॉडी वॉश, 98% प्योर ग्लिसरिन एंड नेचुरल ऑयल्स के साथ बना हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको मैंने यूज भी करना स्टार्ट कर दिया है और यह बहुत ही अच्छी अमेजिंग प्राइस में मुझे मिल भी गया था। सो यस, दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। और ग्रेट फ्रीडम सेल भी स्टार्ट होने वाली है 6 अगस्त से 10 अगस्त तक, तो आप जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने अच्छे से विशलिस्ट बना लीजिए। और अमेजन जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको जो उनकी जो सेल है वो 5th से ही स्टार्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप वहां से शॉपिंग जरूर करें जो जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये खादी हर्बल का सैंडल एंड रोज फेस पैक। इसको मैं काफी सारी बार यूज कर चुकी हूँ, ये मुंबई में भी मेरे पास था, मतलब है करंटली, और मैंने सोचा एक मैं यहाँ पर भी ला करके रख देती हूँ सो दैट मम्मी को कभी यूज करना हो या मुझे यूज करना हो तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है एक नाइट सूट। सो काफी अच्छा सा कंफर्टेबल सा ये नाइट सूट है, काफ्तान स्टाइल में था, कलर इज वेरी ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस नाइट सूट इज दिस इज अ कॉटन नाइट सूट। आई रियली रियली लव्ड इट, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पहन करके भी, मैंने देखा था और समथिंग डिफरेंट था, मतलब मैंने इस तरीके का, मैं बहुत नाइट सूट्स पहनती हूँ, मुझे नाइट सूट बहुत ज्यादा पसंद होता है, मतलब घर। सो और ये इसका टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ दिस ड्रेस, आप इसका स्लीव्स देखिए बहुत सही है, बहुत ही अच्छा है, फिट विट बहुत अच्छा आया है, कंफर्ट भी इसका बहुत अच्छा है। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो ड्रेस है आप इसका फिटिंग देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट आया है, ये मैंने स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया था एंड फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट। इसका फिट वगैरह देखिए, आप स्लीव्स देखिए, स्लीव्स पे से जो फिटिंग आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब सोने होने में भी बहुत कम्फर्टेबल है और आप इसको दिन भर पहन के घूम सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है कि बेल्ट, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका इसका आप फ्रंट का ये देखिए, दिस इज़ अ नाइस, किसी लोकल शॉप में जा करके इसको कट करवाऊंगी और कट करवा करके फिर इसको अपने साइज का बना करके यूज करूंगी बिकॉज ये इसका लेंथ बहुत ज्यादा है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, स्मॉल मीडियम लार्ज जो ऑप्शंस होते हैं ना जब हम मॉल्स में जाते हैं तो हमको ऑप्शन मिलता है, वैसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपको इसको बस, तो ये लगने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है। सो ये मैंने एक बेल्ट लिया है, यूज करके देखती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद मैंने कुछ घर में पहनने के लिए टी शर्ट्स ली हैं बिकॉज मेरी जो पहले की टी शर्ट्स थी वो सब भी काफ़ी ज़्यादा यू नो छोटी हो गई हैं या टाइट हो गई हैं या बहुत ज़्यादा रफ सी हो गई हैं, तो अभी यहाँ पर मैं रहती हूँ, मतलब इन लॉज वाली सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो मैंने सोचा वहाँ के हिसाब से थोड़े कपड़े अपग्रेड कर लिए जाएँ। तो ये टी शर्ट है, दिस इज द टी शर्ट, काफ़ी प्यारी सी है, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन है, बहुत लूज फिट है, मतलब मुझे ऐसी लूज फिट ही टी शर्ट चाहिए थी, तो काफ़ी लूज फिट है। सो दिस इज द टी शर्ट जो मैंने लिया है, इसका लेंथ भी काफ़ी सही है। सो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ। तो जो टी शर्ट है वो मैंने पर्पसली मीडियम साइज, मीडियम नहीं आई थिंक ये लार्ज है, हाँ लार्ज साइज में ऑर्डर करी थी बिकॉज मुझे लूज ही पैटर्न चाहिए था में आएगा। उसके बाद मैंने ना दो अमेजन ब्रांड का ही, जो सिंबल इनका ब्रांड है उसी की दो टी शर्ट्स ली हैं, जो एक तो मैं ये पहनी हुई हूँ, दिस इज इन द शेड ऑरेंज कलर, और जो दूसरा कलर है वो ये मस्टर्ड येलो कलर का है, दो के कॉम्बिनेशन में आती है, ये अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये टी शर्ट, अगेन मस्टर्ड येलो, और ये मैंने मेन सेक्शन से ली है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, स्मॉल साइज में है और मुझे इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक लगा है, तो आप एकदम बारीक समर्स में इसको नहीं पहन सकते हो, आप घर में पहनने के लिए ली है, मतलब घर में पहनने के लिए ली है ये मैंने,
तो दिस इज द नेक्स्ट टी शर्ट. सो बस यही मैंने शॉपिंग किया है अमेजन से. सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं. बाकी जो मेरा इंडियन वियर का कलेक्शन है जो कि आ चुका है, बस एक सूट बचा हुआ है, उसी का मैं वेट कर रही हूँ. जैसे ही वो आता है आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.